الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين برادران اسلام ديني اور ملي بهايو دوستو اور الله رب العالمين हम सबको उसी दीन पर क़ायम रहने की तोफ़ी अदा फरमाए जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था और जिस दीन पर सहाब कराम चले जिस दीन पर तबइिन एज़ाम चले जिस दीन पर आई कराम चले जिस दीन पर पीराने पीर चले अब नए नए गुमराह गर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुरान में तहरीफ मानवी करते हैं या गौस या खाजा की दुहाई दिलाने के लिए कुरान करीम में सूरह मरियम है सूरह मरियम में या मरियम से इसने इस्तलाल किया है के या गौस या खाजा या बिलाई खाला या भैंसूर कहना दुरुस्त है गौस बोलते बोलते नहीं या खाजा या गरीब नवाज या याली <laughs> सुन जवाब खुदा की कसम हमें यह कहना भी कुरान ने सिखाया है कुरान उठा के देखे मरिया मुखनू तीली अम्बी की वजूदी और गरीबों की ते मरियम की रूह पाक की तरफ एक तवज्जो लगा के सुनो या, या मरियम ये मैं क्या पढ़ रहा हूं देखो पूरी दुनिया का कोई मुफ्ती कुफर का फतवा नहीं दे सकता शिर नहीं बोल सकता बेहाल मैं कुरान पढ़ रहा हूँ सुभान अल्लाह या मरियम कुरान में या खौस बोलना शिर है तो फिर क्या मरियम या मरियम बोलो तो सवाब या खौस बोले तो शिर तेरे पाप की जागीर है जो बोले खानू लड़ा लेता मेरा सवाल ये है कि सहाबाए किराम को ये आयत मालूम थी या नहीं थी एजाम को ये आयत मालूम थी या नहीं थी किराम, इमाम मालिक इमाम अबू हनीफा इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम सुफियान सोरी इन लोगों को यह आयत मालूम थी या नहीं मालूम थी अगर ये आयत मालूम थी उसके बावजूद भी उन्होंने या ख्वाजा नहीं कहा बिलाई खाना नहीं कहा दाता नहीं कहा तो क्या ये ढोंगी अम कराम से भी बड़ा हो गया यह अपने आप को हनफी कहता है इमाम अबू हनीफा से भी बड़ा हो गया यह अपने आप को कादरी भी कहता है अब्दुल कादिर अल जीलानी अल बगदादी से भी बड़ा हो गया मुसलमानों तुम जरा इसकी बात पर गौर करो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दीने मुस्तफा से ये गद्दारी कर रहा है और तुम्हें भी गद्दारी सिखा रहा है कि दीन को मिटाओ मुर्दों के सामने सर झुकाओ या मरियम से अगर कोई इस्तलाल करता है कि या ख्वाजा कहना चाहिए या दाता कहना चाहिए या गौस कहना चाहिए तो हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के कलाम से आगे बढ़ना है जबकि अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना हराम है नाजायज है या यूहदीना आमनु, ला तो कद्दे व नद्लासूल ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ने का हुक्म है और ये या खाजा या दाता या गेरवा या पंजा या संजा न जाने कहां कहां से किन किन अल्फाज को ये दीन में शामिल कर रहा है अगर ये अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आया तो सुनो फिरौन का जिक्र कुरान करीब में सत सत्तर से ज्यादा मरतबा आया है सत्तर से ज्यादा मरतबा अबू लहब का भी नाम आया है तो क्या अबू लहब का माला जपने के लिए ये ढोंगी तैयार है अबू लहब अबू लहब का भी जिक्र कुरान में आया है तो कल से ये अबू लहब की दुहाई देगा सोचो मुसलमानों की ये कहा तुमको ले जा रहा है और देखो ये सूरत आराफ है इसमें अल्लाह आलमीन ने मूसा सलातलीम का जिक्र किया है वकाल मूसा मु... या इन्नी फिर ये एक सौ चार नंबर आयत है मूसा अली सलात तस्लीम ने कहा या फिरौन या फिरौन तो कल से ये ढोंगी जाहिल गवार फिरौन की दुहाई देगा क़ुरान के अंदर तो यह भी आया है कुरान के अंदर यह भी आया है इस पर नहीं गौर करते इस पर गौर करो तब तुमको पता चलेगा कि यह किस तरह से लोगों को अल्लाह वाहिद से दूर कर रहा है और मुर्दों की दुहाई देने पे मजबूर कर रहा है इसी तरह से चंद आयात में पेश कर देता हूं ये सूर बनी इसराइल है या सूरत इसरा भी इसको कहते हैं मूसा अली सलात तस्लीम ने कहा वो इन्नी लाजुन का या फिरओन मजबूरा क्या कहा या فرعون मजबूरा आयत नंबर एक सौ दो है तो क्या फिरा की दुहाई देने के लिए यह तैयार है कल से कहो कि ये बयान करे हां फन की दुहाई दो क्योंकि कुरान में इसका जिक्र आया है कुरान में जिक्र आया है यकीन में आया है लेकिन क्या दुआई देने के लिए आया है मांगने के लिए आया है इल्तिजा करने के लिए आया है फरियाद करने के लिए आया है यह हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह आलमीन हुक्म दे रहा है मूसा अलैहि सला व तस्लीम एड्रेस कर रहे हैं ये नहीं कि हम नए नए बाबे तराशते जाएं, तलाशते जाएं और दीन में एड करते जाएं, इजाफा करते जाए मुसलमानों तुम्हारा दिन बाकी रहेगा आज तुम या खाजा कह रहे हो कल को कोई कोई या या सांड बोलेगा कल को मछली शाह बोलेगा तो तुम क्या कहोगे तुम्हारा दीन सलामत रहेगा अल्लाह के रसूल वसल्लम ने जो दीन दिया था वो दीन बाकी रहेगा नहीं चू चू का मुरब्बा हो जाएगा और बाजीचे अतफाल हो जाएगा अगर तुम आज होश के नाखुन नहीं लिए तो दीन इस्लाम का नाम तो रहेगा लेकिन हकीकी इस्लाम बाकी नहीं रहेगा और जितने लोग इसके सपोर्टर हैं वो सब दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद वसल्लम के दीन को नाकाफी और नाकाम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह आलमीन ऐसे ढोंगियों के शर और फितने से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे